Hello class 8th. In previous class we have started the second chapter of your history book, that is establishment of company power. इसमें हमने पढ़ा था mercantilism and trade wars. इसके अलावा हम British East India Company की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे उन्हें charter मिला था, कैसे शुरुआत हुई थी, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे. अब हम पढ़ेंगे French East India Company. It is on the page number of 9 of your social book. Right? So French East India Company. Following closely in the footsteps of the British, the French East India Company was established in 1664. तो जो French East India Company थी वो 1664 में establish हुई थी. The French set up their trading posts at Pondicherry, Chander Nagar, Mahe and Karaikal. By the 18th century, the Governor General of the French territories, Dupleix, wanted to establish the French rule in India. तो देखो इन्होंने शुरुआत की थी अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाने से, और इन्होंने जो शुरुआती ट्रेडिंग पोस्ट थे वो बनाए थे पौंडीचेरी में, चंदेर नागौर में, माहे में और कराईकल में. उसके बाद जो इनके गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था डुप्लेक्स, प्लीज़ इसको आप अंडरलाइन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट नेम है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि फ्रेंच के गवर्नर जनरल कौन थे, तो डुप्लेक्स थे. और डुप्लेक्स चाहते थे कि वो और भी ज़्यादा अपना जो रूल है उसको इंडिया में इस्टेब्लिश कर पाएँ, वो इन एरियाज़ को छोड़कर इंडिया के और बाकी एरियाज़ में भी अपने ट्रेडिंग पोस्ट को इस्टेब्लिश करना चाहते थे. This ambition of Dupleix brought him into direct conflict with the British, resulting in the Anglo-French Wars. तो देखो भाई, अगर एक पावर पहले से ही है एक जगह पर और दूसरी पावर को उसकी जगह लेनी है तो ऑफकोर्स लड़ाई होगी. और अगर Dupleix चाहते थे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग पोस्ट हैं वो इंडिया के और भी बहुत सारे पार्ट्स में इस्टेब्लिश हो पाएँ, तो इसके लिए उन्हें डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी सेम चाहते थे कि इंडिया के अलग अलग जगह पर वो अपने ट्रेडिंग पोस्ट को बना पाएँ. अब शुरुआत होती है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की, यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों में लड़ाई हुई अपने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाने के लिए. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी देयर वर फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉर कॉलोनियल गेन्स. तो अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें 18th सेंचुरी की, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्लैशेस सामने आए जहाँ पर फ्रेंच भी अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाना चाहते थे और ब्रिटिशर्स भी बनाना चाहते थे. और अगर जब दोनों बनाना चाहते थे, दोनों मोनोपोली चाहते थे, तो उनके बीच में क्लैशेस रहे. और 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में सबसे ज़्यादा क्लैशेस सामने आए. द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी लेड टू थ्री वॉर्स रेफर्ड टू एज द कार्नेटिक वॉर्स एज दे टुक प्लेस इन द कार्नेटिक रीजन ऑफ साउथ इंडिया विच वॉज अंडर द अथॉरिटी ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद. तो जो मेन क्लैशेस थे वो तीन वॉर्स में डिस्क्राइब किए गए इनके क्लैशेस को, जिनको बोला जाता है कार्नेटिक वॉर्स. इसको देखिए लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स. तो जो तीन बड़े वॉर्स हुए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको बोला जाता है कार्नेटिक वॉर्स. और कार्नेटिक वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो वॉर हुए थे ये साउथ इंडिया के कार्नेटिक रीजन में हुए थे, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कार्नेटिक वॉर्स. और जिस समय ये कार्नेटिक वॉर्स हुए उस समय जो ये एरिया था वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर आता था. द कार्नेटिक वॉर्स लास्टेड फॉर 20 ईयर्स एंड एंडेड विद द ब्रिटिश बिकमिंग विक्टोरियस. तो जो इन तीन वॉर्स का रिजल्ट रहा वो ये रहा कि एंड में ब्रिटिशर्स की जीत हुई. मतलब 20 साल एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बाद, यानी 20 साल ये तीन वॉर्स चलने के बाद आखिर में ब्रिटिशर्स की जीत हो गई. दे स्लोली ट्रांसिशन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पोस्ट टू एन इम्पीरियलिस्ट पावर इन इंडिया. नाउ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, अब तक हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास तीन कार्नेटिक वॉर हुए जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में हुए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हुए. अब हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे कैसे हुए. राइट, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन विच एक्सटेंडेड टू देयर कॉलोनीज इन इंडिया. द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन वॉज फॉट बिटवीन द किंगडम्स ऑफ प्रूशिया, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन एंड बवेरिया ऑन वन साइड एंड द इंग्लिश, डच, रशिया एंड द हैब्सबर्ग मोनार्की ऑन द अदर साइड.
तो देखो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो दो पार्टीज़ के बीच में हुआ, तो पहली पार्टी में थे प्रशिया, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन एंड बेवेरिया, राइट। तो ये किंगडम्स थे, ये पांच किंगडम्स थे जो एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थे इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, डच, रशियन एंड द हैब्सबर्ग मोनार्की ऑन द अदर, यानी कि जो दूसरी साइड थी वो इनकी थी। ऑल्दो दिस वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-लैक-चैपेला इन 1748 वॉज अनेबल टू सेटल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग कॉलोनीज इन इंडिया। अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि 20 साल लगातार कार्नेटिक वॉर्स चलने के बाद अल्टीमेटली जीत ब्रिटिशर्स की हुई थी, पर ऐसा नहीं था कि तीनों वॉर्स में ब्रिटिशर्स की ही जीत रही। जो पहला कार्नेटिक वॉर था उसके अंदर ट्रीटी हुई यानी कि कोई नहीं हारा कोई नहीं जीता, उन दोनों पार्टीज़ में समझौता हुआ, जो हमने दो ग्रुप पढ़े तो उनके बीच में समझौता हुआ और उसको बोला गया ट्रीटी ऑफ एक्स-लैक-चैपेला, राइट। तो वो 1748 में हुई, पर जो ये ट्रीटी हुई, इस ये ट्रीटी होने के बाद भी उनके बीच के जो मतभेद थे, जो डिस्प्यूट्स थे, जो दिक्कतें थी वो ख़त्म नहीं हो पाई। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बिगेन इन 1745 विद द ब्रिटिश फ्लीट अपीयरिंग ऑन द कोरोमंडल कोस्ट द थ्रेट एंड द फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ पॉन्डीचेरी। अब वही ब्रिटिशर्स की हरकतें हमेशा से वैसी ही थी, ब्रिटिशर्स ट्रीटी के बाद भी जो फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट थे पॉन्डीचेरी में उनको डराते रहे और धमकाते रहे। द फ्रेंच इन रिटेलिएशन अटैक्ड द ब्रिटिश कॉलोनीज इन साउथ इंडिया एंड took possession ऑफ मद्रास। अब देखो अगर आप किसी को परेशान करोगे तो सामने वाला जवाब तो देगा। जब ट्रीटी हो चुकी उसके बाद भी जब ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को डराना जारी रखा तो फ्रेंच ने भी इसके बदले उन पर हमला कर दिया और मद्रास पर अपना कब्जा जमा लिया। तो ये तो रहा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जिसके अंदर किसी की जीत नहीं हुई, किसी की हार नहीं हुई, ब्रिटिशर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और वापस से क्या हुआ, लड़ाई। अब क्या हुआ सेकेंड कार्नेटिक वॉर। Although peace was restored for a short period of time, the British and the French were again involved in a struggle of power when the Mughal governor of Deccan, the independent Nawab of Hyderabad, died. तो शांति तो रही पर लंबे समय के लिए वो शांति नहीं रह पाई, और ये शांति भंग सबसे ज़्यादा तब हुई, देखिए ये सबसे ज़्यादा भंग तब हुई जब मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन यानी कि जो डेक्कन के एम्परर थे वो और जो नवाब थे हैदराबाद के वो मर गए, तब सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगे फर्स्ट वॉर के बाद। इन हैदराबाद अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग अरोज। व्हाइल नासिर जंग हैड द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश, मुजफ्फर जंग वॉज सपोर्टेड बाय द फ्रेंच। अब इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को ही आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, पहले तो खुद लड़ रहे थे, अब एक पार्टी को एक सपोर्ट कर देते थे, दूसरी पार्टी को दूसरा सपोर्ट कर देते थे और फिर आपस में लड़वाते थे। जैसे कि यहाँ पर वो डायरेक्ट नहीं लड़े, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में खुद नहीं लड़े, उन्होंने क्या किया कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की जो लड़ाई थी उसका फ़ायदा उठाया। तो ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट कर दिया नासिर जंग को, देखिए ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट कर दिया नासिर जंग को और फ्रेंच ने सपोर्ट कर दिया मुजफ्फर को। सिमिलरली इन कर्नाटक चंदा साहिब एंड मोहम्मद अली वेज्ड अ वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट ईच अदर। एज इन हैदराबाद द फ्रेंच एंड ब्रिटिश अलाइंड देमसेल्व्स विद अपोजिंग पार्टीज। इन कर्नाटक चंदा साहिब हैड द सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच व्हाइल मोहम्मद अली वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश। द फ्रेंच सक्सीडेड इन मेकिंग चंदा साहिब द नवाब इन कर्नाटक एंड मुजफ्फर जंग द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो देखो दो जगह की बात हो गई, तो एंड में क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे वो जीत गए और उन्होंने कर्नाटक में चंदा साहिब को जितवा दिया और निज़ाम ऑफ हैदराबाद में, निज़ाम ऑफ हैदराबाद किसे बना दिया गया, मुजफ्फर जंग को। हाउएवर व्हेन रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड आर्कोट देयर वॉज अ टर्न ऑफ इवेंट्स। पर देखो अगर इतनी ही आसानी से शांति हो जाती तो फिर क्या बात थी। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच ने अपना हक जमा लिया था हैदराबाद में और कार्नेटिक रीजन में, पर वही चीज़ के कब तक शांति लंबे समय तक चलती, जब दोनों पावर्स को पावर लेनी ही है
तो भाई ज़्यादा लंबे समय तक तो शांति नहीं चल सकती। और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कोट पर अपना कब्जा जमाया तो इवेंट सारे के सारे चेंज हो गए। द ब्रिटिश कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड चंदा साहिब एंड रिप्लेस्ड हिम विद मोहम्मद अली। अब देखो वही चीज़ है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो बंदा था उसको हटा के अपना ले आए, ठीक है, वो अपना ले आए। अब इन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्रेंच वालों को हटा के अपना इंसान लगा दिया, जैसे कि मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को कहाँ बिठा दिया इन्होंने, चंदा साहिब की जगह। फ्रेंच ने चंदा साहिब को बनाया था नवाब कार्नेटिक का, और इन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली को चंदा साहिब की जगह बिठा दिया ब्रिटिशर्स ने। विद द रिटर्न ऑफ डुप्लेक्स टू फ्रांस द फ्रेंच स्ट्रॉन्ग होल्ड बिगेन टू क्रम्बल एंड इट्स पोजिशन वॉज रिड्यूस टू बींग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। पर उससे भी ज़्यादा सीन तब ख़राब हुआ जो डुप्लेक्स थे, जो फ्रेंच गवर्नर जनरल थे, वो वापस फ्रांस चले गए। और जब वो फ्रांस चले गए तो जो फ्रेंच की ताकत थी वो कम होने लगी और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी वो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। The Second Carnatic War lasted from 1749 until 1754 and saw the British strengthen their position in southern India. तो देखा पोजीशन कैसे चेंज हो गई, कहाँ शुरुआत में सेकेंड कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच ने कार्नेटिक रीजन भी ले लिया था और कहाँ आपका निज़ाम भी बना दिया था हैदराबाद का। पर देखो वॉर ख़त्म होने होने तक डुप्लेक्स फ्रेंच फ्रांस चले गए, जिसकी वजह से जो फ्रांस की जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था वो कम हो गया और इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ताकत बढ़ने लगी। नाउ थर्ड कार्नेटिक वॉर। द थर्ड कार्नेटिक वॉर ब्रोक आउट एज अ रिजल्ट ऑफ आउटब्रेक ऑफ द सेवन ईयर्स वॉर इन यूरोप। गोइंग बियॉन्ड द कार्नेटिक रीजन द ब्रिटिश कैप्चर्ड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंदेरनागौर अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो ये हुआ जब रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना काम करने लगे। द फ्रेंच वर ऑल्सो डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वेंडीवॉश इन 1760। दे लॉस्ट पॉन्डिचेरी एज वेल। तो जो वेंडीवॉश का जो वॉर हुआ उसके अंदर वो पॉन्डिचेरी को खो चुके थे, और पॉन्डिचेरी तो आप समझ ही सकते हैं कि फ्रांस के जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए कितना ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही वहीं से की थी, वो वहीं तक सीमित थे। अगर पौंडीचेरी ही उनके हाथ से निकल गया तो उनकी पावर काफ़ी कम हो गई। थ्रू द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 द फ्रेंच रिगेन्ड कंट्रोल ओवर चंदेरनागौर एंड पौंडीचेरी। पर ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से उन्हें दोबारा से चंदेरनागौर और पौंडीचेरी मिल गया। हाउएवर दे कुड ओनली यूज दी सेटलमेंट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज। Although the French could set up factories, but they did not get the permission to fortify their settlements. तो देखो अब आप बोलोगे कि मैम ये तो दोबारा पावर में आ गए, तो देखो वो दोबारा पावर में नहीं आए, उन्हें वो रीजन तो वापस मिल गया, उन्हें वो एरिया तो वापस मिल गया, पर उस पर मिले सारे अधिकार उनके नहीं थे। यानी कि वो वहाँ से बिजनेस तो कर सकते थे पर फोर्टिफिकेशन, यानी कि अपने जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि जब ट्रेडिंग पोस्ट बनाते थे या अपने ऑफिसेज बनाते थे या फैक्ट्री सेटअप करते थे तो उसको फोर्टिफाई किया करते थे, यानी बड़ी बड़ी दीवारों से उसको प्रोटेक्ट किया करते थे जिससे कि कोई भी उनके जो ट्रेडिंग पोस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो इन लोगों के संग क्या हुआ कि इन्हें पौंडीचेरी और चंदेरनागौर मिल तो गया पर इन्हें फोर्टिफिकेशन यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने की परमिशन नहीं मिली। नाउ द ब्रिटिश एक्विशन ऑफ न्यू टेरिटरीज इन इंडिया। द ब्रिटिश ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स एंड देन एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। देखो वो एक ही दिन में या एक ही रात में ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज नहीं करने लगे थे। ये जो ट्रेडर्स थे यानी कि जो सिर्फ एक व्यापारी थे, जो एक व्यापारी के रूप में इंडिया में आए थे, उन्हें काफ़ी टाइम लगा यहाँ पर राज करने वाली कंडीशन में आने के लिए। बाय द टाइम ऑफ मुगल पावर डिसइंटीग्रेटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ऑलरेडी प्लान्ड इट्स एक्सपेंशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फ़ायदा उठाया, किस चीज़ का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, देखो अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लोगे ना, जिस दिन आप अपने 8th क्लास की हिस्ट्री को पढ़ लोगे आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि ब्रिटिशर्स हम पर राज इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो ताकतवर थे, ना ही वो इसलिए हम पर राज कर पाए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो हम पर राज कर पाए क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे। जब
मुगल्स आपस में लड़ रहे थे, जब जो हिंदू राजा थे वो मुगल से लड़ रहे थे, जब सारे के सारे जो एम्परर्स थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे पावर के लिए, एरियाज के लिए, पोजीशन के लिए, उस समय मुगल्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो देखते हैं कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया या खुद लड़े। जब आप पढ़ोगे ना टॉपिक्स को तो आपको खुद समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स ने खुद की लड़ाई बहुत कम लड़ी, खुद वो बहुत कम लड़े, उन्होंने आपस में ही राजाओं को लड़वा दिया, और जिसकी वजह से एक राजा को दूसरे राजा ने ख़त्म कर दिया, और जो दूसरा राजा जो बचा था वो ब्रिटिशर्स का ग़ुलाम बन गया। राइट, तो देखते हैं कैसे हुआ ये सब। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे ख़त्म किया तीन कार्नेटिक वॉर से। अब हम पढ़ेंगे कि वो इंडिया में अपना एक्सपेंशन कैसे करने लगे थे। सो इट वॉज स्टार्टेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल इंक्लूडेड द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो जो बंगाल था उस समय का, वो ऐसा नहीं है कि आज वाला छोटा वाला एरिया था। उस समय जो बंगाल बोला जाता था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा पोर्शन मिलाकर बोला जाता था। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। The British established a trading post at Fort William to gain a stronghold in India. तो देखो ये जो एरिया था बंगाल का, ये सबसे ज़्यादा रिच माना जाता था। ये आप सबको पता है कि वहाँ पर जो वाटर है, वाटर अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो अच्छी है, तो जिसकी वजह से वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं वो भी रिच है। तो जो वो एरिया था वो काफ़ी रिच था, काफ़ी प्रॉफिटेबल था, जिसकी वजह से हमेशा ब्रिटिशर्स उस पर अपना कब्ज़ा जमाए रखना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि फोर्ट, द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग पोर्ट एट फोर्ट विलियम टू ग्रेट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया। इन्होंने फोर्ट विलियम बनाने की शुरुआत की। द मुगल एम्परर फारूक सियार ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेम्पशन ऑन टैक्सेस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन ट्रेड आइटम्स। अब आप इसको चाहे तो उस समय की गलती कह लें, या उस समय की नासमझी कह लें, या आप ये कह लें कि उस समय के रूलर्स इन ब्रिटिशर्स को समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या चाह रहे थे। फारूक शियार ने क्या किया कि फारूक शियार ने जो मुग़ल एम्परर थे, इन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्सेस हटा दिए। राइट, तो जब टैक्सेस हटा दिए तो उन्हें और ज़्यादा फ्रीडम मिल गई ट्रेड करने की और प्रॉफिट कमाने की। तो अब इंसान जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना ही ज़्यादा उसको और प्रॉफिट कमाने की चाह होगी। द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नाउ इश्यू दस्तक फॉर इट्स गुड टू बिकम टैक्स फ्री। हाउएवर वेरी सून दीज दस्तक वर मिसयूज्ड। द नवाब ऑफ बंगाल अली वर्दी खान वॉज एबल टू पुट एन एंड टू द मिसयूज ऑफ दस्तक एट अ सर्टेन एक्सटेंट। तो दस्तक क्या थे? दस्तक ऐसी जगह थी, ऐसे पासेस थे जहाँ पर उनका टैक्स नहीं लगा करता था ब्रिटिशर्स का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर। पर जब अली वर्दी खान आए तो उन्होंने इस टैक्स को बिल्कुल, ये जो टैक्स नहीं लग रहा था ब्रिटिशर्स पर, इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इस दस्तक का मिसयूज़ हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे थे। इट वॉज हाउएवर हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला who not only reinforced taxation but ordered the British and French to stop their drive to fortifying their trading post। और इससे भी ज़्यादा जो ग्रैंड सन थे सिराजुद्दौला, यस, सो अली वर्दी खान के जो ग्रैंड सन थे सिराजुद्दौला, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर बिल्कुल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से फोर्टिफिकेशन के लिए मना कर दिया कि भाई आपको अगर ट्रेड करना है तो आप ट्रेड करिए, आप अपने फोर्टिफिकेशन मत करिए, आप उनको दीवारों से अपने किलों को मत ढकिए। राइट, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में रह पाएँ निज़ाम के। द ब्रिटिश रिटेलिएटेड एंड कैप्चर्ड कलकत्ता अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। पर देखो ना, ब्रिटिशर्स कभी नहीं सुधर सकते। जब अली वर्दी ने टैक्सेशन वाला सिस्टम हटा दिया कि नहीं भाई टैक्स देना ही पड़ेगा, और उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला ने जो फोर्टिफिकेशन था उसकी परमिशन नहीं दी, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमला किया और कलकत्ता को अपने अंडर ले लिया। और उस समय कौन थे लीडर? रॉबर्ट क्लाइव। अब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
Till then, you have to do all the hard words in your notebook. And if you have any doubt, then you can contact me on the WhatsApp group as well as on my personal number. Okay? Till then, bye.